मैं हूं आंचल आनंद। बस कुछ ही घंटे बाद हिंदुस्तान का दम दुनिया देखेगी। राजपथ पर हमारी ताकत का गवाह कई देश बनेंगे। पहली बार 26 जनवरी की परेड के मुख्य अतिथि एक से ज्यादा राष्ट्र के अध्यक्ष होंगे। आसियान के 10 देशों के मुखिया गणतंत्र दिवस परेड की सलामी लेंगे। हमारी ताकत की नुमाइश के लिए राजपथ को अभेद्य किले में तब्दील कर दिया गया है। अग्निपथ बनने जा रहे राजपथ पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। वतन के तुम से है इज्जत, वतन के तुम से है इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हम से है, हिम्मत वतन की हम से है, वतन की हम से है, वतन की हम से है, इंसान के हम रखवाले। छब्बीस जनवरी को भारत की फौलादी ताकत देखेगी दुनिया। छब्बीस जनवरी को गरजेगा हिंदुस्तान और कांपेंगे चीन पाकिस्तान। जनवरी को इसके पराक्रम से थर्राएंगे दुश्मन। यहां 32,000 फीट ऊपर गूंजेगा जय जवान। एडिशनल फॉर्मेशन दौरान भरते हुए वो कैप्टन चक्रा के नेतृत्व में 300 मीटर की ऊंचाई पर 840 किलोमीटर की रफ्तार से यहां 45,000 जवानों के बीच गूंजेगा जय हिंद। कुछ ही देर बाद राजधानी दिल्ली के राजपथ पर हिंदुस्तान का शौर्य चमकेगा। 26 जनवरी की परेड में पहली बार बुलेट बेटियों का करिश्मा देखेगा देश। कैसी है राष्ट्रीय पर्व की तैयारी, कैसा है गणतंत्र दिवस परेड का कंट्रोल रूम, 7 स्तरीय सुरक्षा घेरे में कौन कौन से सुरक्षा बल होंगे, सिलसिलेवार तरीके से पूरी रिपोर्ट देखिए। गणतंत्र दिवस परेड के लिए राजपथ को अभेद्य किले में तब्दील किया गया है। यहां जमीन से आसमान तक सख्त पहरा है। पैंतालीस हजार फौलादी जवान मुस्तैद हैं। जो थ्रेट परसेप्शन है उसको देखते हुए और इतने बड़े आयोजन को देखते हुए मैक्सिमम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जिससे कि पूरा आयोजन बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और उचित तरीके से मनाया जा सके। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और जो चप्पे चप्पे पर रखने के लिए जितने लोगों की जरूरत है उतने लोगों को लगाया जाए। राजपथ का वो रास्ता है जहां से परेड की शुरुआत होगी और इसी रूट से परेड शुरू होते हुए लाल किले पर परेड खत्म होगी। परेड के दौरान परिंदा भी इस जगह पर नहीं मार सकता क्योंकि सुरक्षा में जवान तैनात हैं। दिल्ली पुलिस नहीं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी तैनात हैं, साथ ही साथ इंडियन आर्मी के जवान चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं, खासतौर पर परेड के रूट पर। जिस वक्त परेड यहां से गुजर रही होगी उस वक्त कोई भी परेड के अंदर खलल ना डालने पाए, इसकी पूरी तरह से कोशिश यहां पर की जाएगी। इसके अलावा इस बार की परेड इस वजह से भी खास है क्योंकि 10 देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस दौरान परेड का हिस्सा होंगे और
परेड में बकायदा वो चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचने वाले हैं, लिहाजा सुरक्षा को और भी ज्यादा कड़ा किया जाएगा। करीब 45,000 के आसपास जवानों की तैनाती की जाएगी। इस दौरान दिल्ली के अंदर जगह जगह पर सुरक्षा के काफी ज्यादा कड़े इंतजाम होंगे, जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा काफी ज्यादा चाक चौबंद की जाएगी। पूरे 7 घेरों के अंदर सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी गणतंत्र दिवस के मौके पर। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि राजपथ पर 7 स्तरीय सुरक्षा कैसी होगी। यहाँ पहले घेरे में एनएससी कमांडो होगी, दूसरे घेरे में एसपीजी कमांडो, तीसरे घेरे में भारतीय सेना के जवान, चौथे में पैरा मिलिट्री फोर्स, पांचवें घेरे में आईवी और रॉ के एजेंट्स की तैनाती, छठे घेरे में स्पेशल फोर्स स्वात कमांडो की टीम और सातवें और आखिरी घेरे में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात होंगे। ये पूरे देश का सबसे बड़ा एक उत्सव और आयोजन होता है। इसमें जो भी एजेंसीज हैं, जो भी सुरक्षा की एजेंसीज हैं, सभी इसमें शामिल होते हैं और सभी के सहयोग से, कोऑर्डिनेशन से, और विशेष तौर पर इसमें रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा रोल रहता है, तो सभी एजेंसीज मिलकर काम करती है। राजपथ के आसपास 25,000 जवानों को तैनात किया गया। पूरी दिल्ली में करीब 50,000 जवान तैनात। राजपथ पर करीब 200 हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए। इसके अलावा राजपथ और सेंट्रल दिल्ली में करीब 15,000 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। इसके लिए इंडिया गेट कैंपस में ही कंट्रोल रूम बनाया गया है। इंडिया न्यूज के संवाददाता नरेश बिस्वानी ने इस कंट्रोल रूम की खासियत जानी। गणतंत्र दिवस की परेड पर इस बार तीसरी आंख से भी नजर रखी जा रही है हमेशा की तरह, और इस बार जो कैमराज लगाए गए हैं वो काफी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन हैं, हाई डेफिनेशन कैमराज हैं, और आप देख सकते हैं कितनी साफ इमेज यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ये सारी जो इसमें विंडोज देख रहे हैं ये पूरे नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के वीडियोज हैं, और इन विंडोज के अंदर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है, खासतौर पर उन एरियाज को जो कि वीवीआईपी से, यहाँ पर वीवीआईपी मूवमेंट होती है, और किस तरीके से यहाँ पर नजर रखी जा रही है। आप देख सकते हैं कितनी हाई डेफिनेशन क्वालिटी है, और तमाम जो पुलिस कर्मी है वो यहाँ पर नजर भी रख रहे हैं, साथ ही साथ बकायदा जो सीसीटीवी एक्सपर्ट्स हैं उनको भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पे पीटीजेड कैमरे और फिक्स कैमरे लगाए गए हैं जो रोटेट करते हैं चारों तरफ। अच्छा, इसके अलावा और जूम इन जूम आउट करना हो तो और जूम आउट दोनों चीज इसमें है शामिल। ये अब हम देखेंगे किस तरीके से पीटीजेड कैमरा की क्वालिटी है। देखिए एकदम इसको रोटेट किया जा रहा है, 360 डिग्रीज में पूरा रोटेशन इसका होता है, और अब जूम इन जूम आउट करना हो तो आप यहां से देख सकते हैं। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि आपको नजर आती है तो जूम इन करके आप देख सकते हैं कि वहां पर आखिरकार हो क्या रहा है। तो ये चीजें हैं आपको दिखाते हैं। देखिए ये राजपथ का वही रोड है। इसके अलावा जो इंडिया गेट के आसपास का जो लॉन वाला एरिया है वहां पर भी नजर रखी जा रही है, साथ ही साथ जो मेन रोड है वहां पर भी इस तरीके से नजर रखी जा रही है। तो कुल मिलाकर जो नई दिल्ली जिला है पूरे जिले के अंदर सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं, और ये सीसीटीवी कैमराज काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, हाई डेफिनेशन है, लिहाजा तीसरी आंख काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस का यहाँ पर यही मानना है कि इस बार टेक्निकली भी एडवांस होना बेहद जरूरी है क्योंकि आसियान देशों के प्रतिनिधि भी गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा होंगे। कैमरामैन अश्विनी कुमार के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज दिल्ली। 26 जनवरी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के पास आतंकी हमले का इनपुट भी है, साथ ही आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी के चलते यहां की सुरक्षा और भी सख्त की गई है, जिसके चलते संदिग्ध गतिविधि देखने पर शूटआउट तक करने के आदेश दिए गए। भारत के शौर्य का प्रदर्शन होगा उस वक्त जमीन की हर हलचल पर आसमान से नजर रखी जाएगी। इसके लिए राजपथ के आसपास 185 गगनचुंबी इमारतों पर एनएससी के कमांडो तैनात रहेंगे जो सीधे परेड पर नजर रखेंगे, साथ ही यूएवी और हेलीकॉप्टर से भी आसमान से कड़ी नजर रखी जाएगी।
परेड के रूट की हम बात करें तो आसपास की जितनी भी इमारतें हैं, जिस रूट से होकर के परेड गुजरेगी उसके आसपास की जितनी भी इमारतें हैं उन इमारतों पर एनएसजी के स्नाइपर कमांडोज तैनात रहेंगे। और ऐसी 185 इमारतों को चिन्हित किया गया है जहां पर इन कमांडोज की तैनाती की जाएगी, जो चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे। और अगर कोई शख्स संदिग्ध हरकत करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इन तमाम इमारतों को, जो कि सरकारी इमारतें हैं, इनको 25 जनवरी यानी कि शाम के वक्त आज और इन बिल्डिंगों को बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद यहां पर स्नाइपर्स की तैनाती कर दी जाएगी। 26 जनवरी की परेड के वक्त ऊपर से कोई भी रूटीन विमान नहीं गुजरेगा। यहां 400 किलोमीटर रेडियस का दायरा नो फ्लाइंग जोन होगा, यानी दिल्ली, जयपुर, आगरा, लखनऊ और अमृतसर के किसी भी एयरपोर्ट से परेड के दौरान ना तो कोई फ्लाइट टेक ऑफ करेगी और ना ही लैंड करेगी। साथ ही जो भी विमान आसमान से गुजरेंगे उनकी ऊंचाई 32,000 से बढ़ाकर 35,000 फीट कर दी जाएगी। इन तमाम जगहों पर जो कि वीवीआईपी रूट्स भी यहां पर हैं और जितने भी वीवीआईपी जोन्स हैं राजपथ के आसपास के, वहां पर इस पूरे एरिया को 26 जनवरी की रोज नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया जाएगा। और इस दौरान ऐसा कहा गया है कि 400 किलोमीटर का जो रेडियस है, जो पूरा दायरा है, वो नो फ्लाइंग जोन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली, जयपुर, आगरा, लखनऊ और अमृतसर, ये वो जगहें होंगी जहां से परेड के दौरान कोई भी फ्लाइट या ना तो टेक ऑफ कर सकेगी ना ही यहां पर लैंड कर पाएगी। साथ ही साथ ये बात भी जो हमारे सूत्र है वो बताते हैं कि इस दौरान एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की भी यहां पर तैनाती की जाएगी। दिल्ली पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर लाइट मशीन गन का भी इस्तेमाल कर रही है। 26 जनवरी को लेकर ऐसे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि राजपथ और उसके आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता। संवाददाता नरेश बिस्वानी ने सेना के जवानों से इस मशीन गन की खासियत जानी। आज हम आपको वो हथियार दिखाएंगे जिनकी मदद से वो दुश्मन का सामना करते हैं। एक एक करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इंसास LMG, ये कितना कारगर है, किस तरीके से ये काम करती है, ये बताएंगे रमेश जी। आप बताएं सर, किस तरीके से कारगर है ये? ये हमारी लाइट मशीन गन है, इसे हम दुश्मन को फायर करने के लिए जैसे फायर करते हैं, लाइट मशीन गन है इसका। ये 700 मीटर तक हम इससे फायर कर सकते हैं और कैरी करने में हल्की है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, एक एक करके आपको दिखाते चलेंगे। ये मैं नरेंद्र सिंह जी से जानूंगा, ये क्या चीज है, ये सब किस तरीके से काम करता है? ग्रेन लॉन्चर है ये? जी, ये मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर है। ये बंकर में छुपे हुए दुश्मन को बर्बाद करने के लिए काम आता है कि इसके ग्रेनेड को हम उसके लूप होल के अंदर डाल सकते हैं, नजदीक ने जाके हम 375 मीटर से ही उसको बर्बाद कर सकते हैं। ये क्या चीज है, किस तरीके से काम करती है? ATGM यहाँ पर लिखा हुआ है, नरेश जी बताएंगे हमको। सर, ये ATGM है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो दुश्मन के टैंक को बर्बाद करने का काम करती है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। 2000 किलोमीटर की रेंज जी। ये देखिए, दुश्मन का टैंक अगर हमारे जवानों पर हमला करने के लिए आता है तो वो इससे जवाब देते हैं और उनके टैंक को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं, पूरी तरीके से तबाह करने का ये मशीन काम करती है। राजपथ के 2 किलोमीटर के दायरे में एयर डिफेंस सिस्टम होगा, एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात होगी। यहाँ दिल्ली पुलिस के स्वात कमांडो को अलर्ट पर रखा गया है, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड भी अलर्ट पर है। इसके अलावा 26 जनवरी को राजपथ के 3 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई शख्स संदिग्ध गतिविधि करते पाया गया तो उसे फौरन गोली मारने के आदेश भी दिए गए हैं। नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।